चलिए, फ्रेंड फंक्शन होता है क्या? एक तो चीज होती है फ्रेंड क्लास और दूसरी चीज होती है फ्रेंड फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन हमारा क्लास के आउटसाइड स्पेसिफाई किया गया बट दैट हैव एबिलिटी टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास, देन दैट फंक्शन इज नोन एज अ फ्रेंड फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज स्पेसिफाइड आउटसाइड अ क्लास बट हैज द एबिलिटी टू एक्सेस द क्लास मेंबर, चाहे वो हमारा प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट टाइप का डेटा। ठीक है, एंड फ्रेंड फंक्शन कैन ऑल्सो बी अ मेंबर फंक्शन और फंक्शन टेम्पलेट और फंक्शन और अ क्लास और अ क्लास टेम्पलेट इन विच एंटायर क्लास एंड ऑल ऑफ इट्स मेंबर आर फ्रेंड्स। सिंपल जी, प्रोग्राम से समझते पहले पॉइंट देख लो। पहला पॉइंट ये है कि अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज स्पेसिफाइड आउटसाइड अ क्लास but has the ability to access the class member। अब ये क्लास मेंबर आइदर इट विल बी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, सेकंड थिंग, अ फ्रेंड कैन बी अ मेंबर्स फंक्शन एंड फंक्शन टेम्पलेट क्लास और क्लास टेम्पलेट। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, बट व्हाई वी नीड द फ्रेंड फंक्शन, व्हाई वी नीड अ फ्रेंड फंक्शन। तो जब भी कोई क्लास होता, मतलब अगर कोई क्लास प्राइवेट है और उस क्लास के मेंबर डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, देन इन दैट केस वी नीड अ फ्रेंड फंक्शन। जैसे कि सिंपल चलते हैं एग्जांपल से, तो पहला हम लेकर के चलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि फ्रेंड फंक्शन कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास और अ ग्लोबल फंक्शन। तो अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी फर्स्ट थिंग अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास एंड अ ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, लाइक एज कि एग्जांपल में हम चलते हैं, एक हमने क्लास लिया हुआ है, सपोज करिए वी हैव अ क्लास क्लास ए एंड इनसाइड दिस वी हैव टेकन अ मेथड लाइक एज अ वर्ड, इसमें मैंने लिखा शो। ठीक है, और इसको हमने डिफाइन कर दिया दिस वन इज पब्लिक एक्सेस बाय ऑल द मेंबर्स। नाउ वी टेक अनदर क्लास क्लास बी एंड इनसाइड दिस क्लास
वी हैव अ वेरिएबल इंट बी, एक वेरिएबल लिया कोई हमने, ठीक है, और ये वेरिएबल अगर हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, सो वी राइट हियर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, सो कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास, क्लास नेम इज अ बी, एंड हियर दिस वन इज द बॉडी ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर. इनसाइड दिस वी असाइन, जो हमने वैल्यू लिया हुआ बी, उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दिया जीरो. जो वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पे, इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया जीरो. सो जीरो, ठीक है. आफ्टर दैट यहां तक की कहानी क्लियर है कि हमने एक क्लास लिया है, ये हमारा क्लास ए है. अगेन हमने एक क्लास लिया है क्लास बी. इस क्लास बी के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है प्राइवेट टाइप का. आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर, एज वी नो दैट कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास. यहाँ पे क्लास का नाम हमारा बी है, तो हमने बी नाम का एक कंस्ट्रक्टर लिया, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है, सॉरी जो वेरिएबल हमने प्राइवेट टाइप का लिया था इंटीजर बी, उसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने जीरो, ठीक है. अभी नॉर्मल हमारा एग्जीक्यूशन होगा. नाउ वी टेक अ फ्रेंड फंक्शन, नाउ वी टेक अ फ्रेंड फंक्शन. अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड फंक्शन के लिए, उस बात को ध्यान में रखिए. अच्छा, ये जो हमने एग्जांपल लिया है, ये डेमोनस्ट्रेट कर रहा है फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास. जैसे हमने वाला पहले वाला लिया अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला वाला ये, अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास मींस फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास. नाउ हमने इसी क्लास में कंस्ट्रक्टर के बाहर इसी क्लास के अंदर अब मैं एक फ्रेंड फंक्शन लूंगा, फ्रेंड फंक्शन, ठीक है. सो वी हैव राइट कीवर्ड फ्रेंड. फंक्शन का नाम लाइक एज ए, मैं फंक्शन का नाम ए लिख दिया. रिटर्न टाइप, मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है. After that, we use two columns. अब मैं किसको लेना चाह रहा हूं, बात यह है किसको फ्रेंड फंक्शन के या फ्रेंड मेंबर के तरीके से एक्सेस करना चाह रहा हूं. हम उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन की तरीके से एक्सेस करना चाह रहे हैं जो दूसरे क्लास के अंदर है. तो यहां पे देखिए, हम क्लास बी के अंदर काम कर रहे हैं, बट वी वॉन्ट टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अनदर क्लास, मीन्स यहाँ पे दूसरा क्लास क्लास ए है. तो उस क्लास ए के अंदर जो भी फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास ए के अंदर सो नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम सो नाम के फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं. सो दिस वन, दिस लाइन इज फ्रेंड फंक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट था कि पहला वाला, अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज स्पेसिफाइड आउटसाइड अ क्लास बट हैज द एबिलिटी टू एक्सेस द क्लास मेंबर, आइदर दैट विल बी क्लास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन बन गया. अब इस फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशंस को हम इस क्लास के बाहर भी रख सकते हैं. मींस हम इम्प्लीमेंटेशन करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेंड फंक्शन बना हुआ है, दैट नेम इज अ वॉइड ए विच फ्रेंडली नेचर विद द फंक्शन सो. ठीक है, दिस वन इज द बॉडी ऑफ दैट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, जो ये लाइन हमने लिखा है, यहाँ पे जो सो फंक्शन है, सो फंक्शन इज
फ्रेंड ऑफ क्लास बी. सो इट कैन एक्सेस private member of class B. ठीक है, यहां पे so जो function है वो किसका friend है, class B का. reason that हमने class B के अंदर ही हमने friend function define किया हुआ है. तो जो so function जिसको हमने define किया था class A के अंदर, लेकिन friend function बना दिया class B के अंदर. Now this so method or so function is a friend of B. It can access private member of B also. ठीक है. So to access the private member, private member कौन सा है, class B का. हमने B नाम का variable लिया हुआ है. तो अगर मैं उसको print कराना चाह रहा हूँ, means C out insertion operator. So we need to print the value of x. अब एक value of b. अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस show के अंदर हमने कुछ implement नहीं किया हुआ है, ना ही कोई signature pass किया हुआ है, ना ही parameter दिया हुआ है. जो यहाँ पे हमने function बनाया हुआ है show नाम का, यहाँ पे हमने कोई parameter pass नहीं किया है. ठीक है. तो जब पैरामीटर पास नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, सो वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम. अब ये फ्रेंड फंक्शन किसका है, बी का है. सो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम. And by using this object, we can access the value of B. So this one is the object dot variable B. अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमारा B की वैल्यू क्या दे देगा, जो कंस्ट्रक्टर का मतलब जो दिया गया है B की वैल्यू. अब इस पूरे प्रोग्राम में B की वैल्यू आपको इस जगह असाइन की गई है कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिसकी वैल्यू जीरो है. तो ये b वैल्यू को नॉर्मली असाइन कर सकता है. यहाँ पे आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया था, प्राइवेट वेरिएबल b लिया गया. अगर आप फ्रेंड फंक्शन का यूज नहीं करते तो इस b को केवल इसी क्लास के अंदर हम यूज कर सकते थे, क्लास b के बाहर यूज नहीं कर सकते थे. क्लास b के बाहर यूज करने के लिए हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ा, और उस फ्रेंड फंक्शन का यूज करके हमें वेरिएबल को एग्जीक्यूट करना पड़ा. ठीक है. तो ये तो एग्जांपल हो गया मेंबर ऑफ अनदर क्लास. और दूसरा जो कंडीशन है, अ ग्लोबल फंक्शन, दूसरा जो कंडीशन है ग्लोबल फंक्शन का, सो दिस वन इज द फर्स्ट केस. नाउ सेकंड केस, सेकेंड केस में हम क्या ले रहे हैं, अगेन वी स्टार्ट. सपोज कि हमने एक क्लास लिया, क्लास एंड क्लास नेम, दिस वन इज द बॉडी ऑफ दैट क्लास. इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है int a. ठीक है. उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज द क्लास नेम. एंड इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर हमने जो ए नाम का वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू जीरो साइन कर दिया. और इस ए कंस्ट्रक्टर को हमने बना दिया पब्लिक. इतनी कहानी हो गई. कंस्ट्रक्टर के बाहर हम एक ग्लोबल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं.
कंस्ट्रक्टर के बाहर एक ग्लोबल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब ग्लोबल फंक्शन क्रिएट करना, क्योंकि ग्लोबल फंक्शन भी हमारा फ्रेंड फंक्शन के अंतर्गत ही आता है, सो वी नीड अ कीवर्ड फ्रेंड। आफ्टर दैट फंक्शन नेम, अगेन वी राइट सो फंक्शन। व्हाट इज द रिटर्न टाइप, सो वी नीड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, दिस वन इज द सो फंक्शन। ठीक है, अब इसकी बॉडी को हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सिंपली ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। बॉडी को इंप्लीमेंट करेंगे हम क्लास के बाहर। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिया है void और so नाम का फंक्शन, दिस वन इज द सो फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे सो जो बना है, सो फंक्शन इज अ फ्रेंड फंक्शन, सो इट कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ ए। अब ए का प्राइवेट मेंबर कौन सा है, ए का प्राइवेट मेंबर हमारा कौन सा है, ए का प्राइवेट मेंबर हमारा वेरिएबल ए है। अगर हमने पब्लिक नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होगा। तो इस क्लास ए का प्राइवेट मेंबर कौन सा है, तो जो वेरिएबल हमने लिखा हुआ है स्मॉल ए वही है। ठीक है, अब उसको क्रिएट करने के लिए हम दिस वन इज द बॉडी, एक्सेस करने के लिए अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। सो ऑब्जेक्ट कैसे होगा, क्लास का नाम, स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। सो हियर क्लास नेम, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट नेम, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। तो यहां से ए की वैल्यू आपकी जीरो प्रिंट करके दे दी। तो ये हमारी कहानी से फ्रेंड फंक्शन। अब फ्रेंड फंक्शन के साथ साथ एक चीज और एसोसिएट हो जाती है, फ्रेंड क्लास। तो जो हमारा फ्रेंड क्लास होता है, दैट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अदर क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन की तरीके से हमारा फ्रेंड क्लास ही है, और फ्रेंड क्लास बनाने के लिए वी नीड टू राइट फ्रेंड कीवर्ड। जैसे अगर मैं फ्रेंड क्लास की बात करूं, सिंटैक्स सिंटैक्स क्या है, हमने एक क्लास लिया, क्लास ए। ठीक है, और इससे पहले भी हमने कोई क्लास लिया था, मान लीजिए वी हैव टेकन क्लास बी सिंपली। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड कीवर्ड, और इस फ्रेंड कीवर्ड के अंदर, मतलब हम, मैं क्लास बी को फ्रेंड बनाना चाह रहा हूँ, फ्रेंड क्लास। सो वी राइट फ्रेंड कीवर्ड आफ्टर द क्लास, और किस क्लास को हम फ्रेंड क्लास बनाना चाह रहे हैं, क्लास बी को। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक क्लास बी एंड वी इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स विच वी वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट। ये हमारी क्लास बी की बॉडी शुरू होगी। जो भी डिक्लेरेशंस होगा वो हमारे यहाँ पे होगा। सो दिस वन इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास। तो
तो अगर हम कोई भी क्लास फ्रेंड क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड टू एनी अनदर क्लास विल हैव ऑल द मेंबर फंक्शन बिकम फ्रेंड फंक्शन टू द फ्रेंड क्लास. यहाँ पे क्या है, क्लास भी हमारा फ्रेंड क्लास है ए का, और क्लास बी कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए. सो दिस वन इज द होल थिंग्स.